नमस्ते, हाउ आर ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द फिटनेस प्रोजेक्ट 2022। मुझे पता है कि आप सब लोग रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हो सिंस जनवरी, इवन दो देर वॉज एन ओमिक्रॉन वेव एंड स्टफ लाइक दैट, दैट यू हैव बीन डूइंग ऑल ऑफ द स्टैंडिंग स्ट्रेचेस ऑफ द फर्स्ट 4 weeks एंड नाउ यू आर कंटिन्यूइंग टू डू द सिटिंग स्ट्रेचेस दैट वी हैव शोन यू इन द सेकेंड मंथ। पर अब और आज मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि हम एक्सरसाइज करते ही क्यों है, तो एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं और एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस क्या है। अभी मोस्टली जब हम लोग एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली पब्लिक एक्सरसाइज करता है मेटाबॉलिज्म के लिए, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि उम्र के साथ अपना मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। तो मैं आप सबको क्विकली याद दिला दूं कि मेटाबॉलिज्म कभी भी स्लो डाउन नहीं होता, वो जन्म से अंत तक उतना ही रहता है, सेम रहता है। लेकिन मेटाबॉलिज्म को दो प्रोसेसेस हमारे बॉडी में कॉन्ट्रीब्यूट करती है, एक का नाम है एनाबॉलिज्म और दूसरे का नाम है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब जब हमारा बॉडी इम्प्रूवमेंट्स करता है उसके सेहत में, जब आपका मस्कुलेचर बढ़ता है, जब आप टोन बढ़ता है, जब बोन डेंसिटी बढ़ता है, जब बाल अच्छे लगने लगते हैं, जब स्किन ग्लो होता है, जब ब्लड शुगर्स रेगुलेट होते हैं, जब ब्लड प्रेशर अपने आप रेगुलेट हो जाता है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर एट्रीब्यूटेड टू एनाबॉलिज्म और बिल्डअप। कैटाबॉलिज्म मतलब हमारा बॉडी बिगिंस टू स्टार्ट वेस्टिंग थिंग्स दैट इट हैज़ प्रोड्यूस्ड इन इट्स लाइफ टाइम। इसीलिए उम्र के साथ बहुत सारे लोगों को जॉइंट के इश्यूज़ या ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, बाल झड़ना, स्किन सैग होना, वज़न कम हो जाए फिर भी बॉडी में टोन नहीं रहना, वो सारे प्रॉब्लम्स चालू होने लगते हैं। अभी एक्सरसाइज क्या करता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उमर क्या करता है, उमर ये करता है कि 28 के बाद में नेचुरली कैटाबॉलिज्म बिगिंस टू डोमिनेट। तो ये कैटाबॉलिज्म मतलब बॉडी का ब्रेक डाउन का प्रोसेस डोमिनेट करने लगता है और एनाबॉलिज्म यानी बिल्डअप का प्रोसेस कम 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 कॉन्ट्रीब्यूट करने लगता है। बट द वन गेम चेंजर हियर इज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज टू योर डेली रूटीन। अगर आपने आपका लाइफस्टाइल ऐसा बना दिया कि हर रोज आप कम से कम 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज कर पा रहे हो तो एनाबॉलिज्म को कॉन्स्टेंटली स्टिम्यूलाई मिलता है बढ़ने का, ऑलराइट। लेकिन सिर्फ बढ़ के एनाबॉलिज्म मतलब एनाबॉलिज्म बढ़ने के लिए आपको एक्सरसाइज के अलावा भी और एक चीज़ करनी पड़ती है। सो वो सीक्रेट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वॉट इज़ दैट वन थिंग दैट यू हैव टू डू। क्योंकि मोस्टली हम जब एक्सरसाइज करते हैं तब हम वो करते हैं सिर्फ कैलोरी बर्निंग के लिए, लेकिन जस्ट कैलोरी बर्निंग विल नॉट एंश्योर दैट यू रीच इनटू एन एनाबॉलिक स्टेट। एनाबॉलिक स्टेट में बढ़ने के लिए इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज यू नीड टू फॉलो व्हाट आर कॉल्ड एज 4 hours ऑफ एक्सरसाइज। और एक बार मैं आपको एक फाइन पॉइंट समझा देती हूँ। कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द बॉडी। तो एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज होता है एवरी टाइम यू एक्सरसाइज यू टेक इन अ स्मॉल डोज ऑफ कैटाबॉलिज्म। अभी ये स्मॉल डोज ऑफ एंड कैटाबॉलिज्म को बिग डोज ऑफ एनाबॉलिज्म में कन्वर्ट करने के लिए यू नो व्हाट हेल्प्स, फूड। This is the main thing that you need to understand. Food, यानी के एक post workout meal, more specifically, will help to convert the small dose of catabolism into a big dose of anabolism. Otherwise, exercise क्या करेगी? Exercise will make you weaker, older, and fatter. If exercise has to make you younger, fitter, leaner, then you must make sure that there is a post-workout meal. So on the one hand, exercise करके आप calories burn करते हो, but on the other hand, जब आप post-workout meal के through calories consume करते हो, तभी आपका catabolism, anabolism में convert हो जाता है. That's the thing that you need to learn. Now I'm going to tell you, because आप में से कुछ लोग बोलते रहेंगे कि अरे कितना बोलती है, बोलना क्या खाने का है। सो फॉर ऑल दोज ऑफ यू हु आर लाइक दैट कि क्या खाने का है, पहला तो खाने के पहले पीने का है। सो द फर्स्ट आर स्टैंड्स फॉर रिहाइड्रेट। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज इज अ डिहाइड्रेटिंग कंडीशन,
मतलब एक्सरसाइज करने के वजह से बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट चला जाता है, आप स्वेट करते हो तो फ्लूइड्स भी चले जाते हैं. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड लॉस ऑफ फ्लूइड्स इज ऑल्सो समथिंग दैट एजिंग क्रिएट्स. एक्सरसाइज जस्ट क्रिएट्स इट इन अ वेरी स्मॉल वे. सो द मिनट यू आर डन विथ एक्सरसाइज एंड इवन ड्यूरिंग एक्सरसाइज यू मेक श्योर दैट यू आर सिपिंग ऑन अ लिटिल बिट ऑफ वाटर एंड इमीजिएटली आफ्टर एक्सरसाइज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. मतलब क्या कि इमीजिएटली आफ्टर एक्सरसाइज ऐसी कोई भी चीज़ मत खाओ जो आपको डिहाइड्रेशन के स्टेटस तक लेके जाए. तो वो कौन सी तीन चीज़ें हैं जो आपको क्विकली डिहाइड्रेशन के स्टेटस में लेके जाएगी? स्मोकिंग, हैविंग चाय और कॉफ़ी, ड्रिंकिंग दारू. तो ये तीनों भी चीज़ें मत कीजिए एटलीस्ट इमीजिएटली विद इन द फर्स्ट 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज. सो एंड आइडियली ये यू नो चाय कॉफ़ी छोड़ के दी स्मोकिंग एंड अल्कोहल लाइफ के लिए ही मत कीजिए, बट एटलीस्ट इमीजिएटली तो मत ही कीजिए फ्रॉम द नेक्स्ट 20 मिनट्स टू 2 आवर्स. सो फर्स्ट इज आर रिहाइड्रेट. द सेकेंड वन इज फॉर रेप्लिनिश. यू बेसिकली रेप्लिनिश ग्लाइकोजन स्टोर्स. ग्लाइकोजन एक टाइप की शुगर रहती है जो कि आपके मसल के अंदर स्टोर्ड रहती है. जैसे कि ब्लड के अंदर जो शुगर रहती है या जो न्यूट्रिएंट रहता है उसको हम लोग कहते हैं ब्लड शुगर, वैसे ही जो मसल के अंदर रहता है उसको बोलते हैं मसल ग्लाइकोजन. अभी एक्सरसाइज के बाद दोनों ब्लड शुगर और मसल ग्लाइकोजन घटता है. वो अगर बढ़ेगा नहीं तो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म में जाएगा नहीं. जैसे कि अगर आपका कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो इनवेरिएबली यू आर गिवन यू नो अ लिटिल बिट ऑफ शुगर थ्रू अ ड्रिप. दैट इज़ टू एंश्योर के ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा ना हो. दे आर एबल टू अरेस्ट द ब्रेक डाउन एंड दे आर एबल टू हेल्प यू रिकवर फास्ट. सो सिमिलरली हियर यू नीड टू हेल्प योर बॉडी टू रेप्लेनिश द ग्लाइकोजन. अदर देन लॉस ऑफ ग्लाइकोजन एंड लॉस ऑफ ब्लड शुगर, you also have breakdown of fine tissues and proteins in your body. तो ये actual में breakdown होते हैं. so you need a meal which also addresses this particular aspect of exercise and actually helps you recover or repair that loss. okay? so ये repair कैसा होता है loss? again खाने से. मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, but basically eating a meal will ensure कि आपका ये जो muscle damage का जो line लगा हुआ है वो arrest हो जाए and instead of losing muscle you are able to build more muscle. when you arrest loss of muscle you basically arrest aging or all kinds of inflammatory conditions. हर एक disease कम्युनिकेबल हो या नॉन कम्युनिकेबल हो, इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन. सो हैविंग अरेस्टिंग दैट लॉस ऑफ मसल विल हेल्प एड्रेस दैट. एंड द लास्ट वन इज बेसिकली यू नीड समथिंग विच यू या और विच हेल्प्स यू रिजुविनेट. सो यू जस्ट नीड टू एंश्योर के योर मील इज ऑल्सो रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड स्टफ, बिकॉज इमीजिएटली आफ्टर एक्सरसाइज यू ऑल्सो हैव अ वेरी हाई इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं आपके बॉडी में एंड दे नीड टू फील सेटल्ड. दे फील सेटल्ड वेन दे फाइंड a meal which is not just rich in carbohydrate, protein and fat and all of that but also in micronutrients. मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ you know आप कुछ भी खा सकते हो एक्सरसाइज के बाद में, वैसे वाला बात नहीं है. क्योंकि आई डू नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अरे तू तो एक्सरसाइज करती है तो कुछ भी खा सकती है. तो कुछ भी हम लोग नहीं खा सकते क्योंकि यू नीड समथिंग विच विल रिहाइड्रेट, रिप्लेनिश, रिपेयर एंड रिजुविनेट. सो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं दे आर ऑलवेज केयरफुल अबाउट वॉट दे आर ईटिंग एंड पीपल हु आर केयरफुल अबाउट वॉट दे आर ईटिंग आर ऑल्सो टिपिकली द वंस हु एक्सरसाइज. सो विद दिस फंडा नाउ वॉट कैन यू एक्चुअली eat so that these 4 hours are met. So the first thing that you must remember is that you should try and have a meal within the first 20 minutes of your exercise. Agar to aap ek banana kha sakte ho, agar aap दूर रहते हो जहाँ आप एक्सरसाइज करते हो वहाँ से अगर आप दूर रहते हो तो इमीजिएटली एक बनाना खाओ और घर जाते ही आपका मील खाओ. आपका मील कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी ब्रेकफास्ट, इट कैन बी लंच और इट कैन बी डिनर. एनी वन ऑफ दीज कैन फॉलो. ऑन दी अदर हैंड अगर आप आपके एक्सरसाइज वेन्यू से नज़दीक रहते हो तो विद इन द फर्स्ट 20 मिनट्स ओनली
यू कैन हैव दिस मील, इधर योर ब्रेकफास्ट लंच और डिनर. तो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में हम लोग जो भी खाते हैं, पोहा, उपमा, इडली, डोसा, रोटी, चावल, दाल, यू नो, अंडा, टोस्ट, जो भी आपको खाना है आप उसमें से कुछ भी खा सकते हो. अभी अगर आप ऑफिस से बाहर जाते ही कहीं एक्सरसाइज क्लास में जाते हो और फिर घर बहुत दूर है तो आप क्या कैरी कर सकते हो? वेल, यू कैन इन दैट केस कैरी अ सैंडविच एंड इंश्योर दैट इट हैज़ द चटनी एंड द चीज़ एंड यू नो ऑल ऑफ द वेजिटेबल्स. यू कैन हैव अ पोटैटो, अनियन एंड स्टफ, ताकि आपका एक फुल मील हो जाए एंड देन यू कैन गो होम एंड हैव अ प्रॉपर मील. यू कैन ऑल्सो हैव रोटी, जैगरी एंड घी. यू नो दिस कुड ऑल्सो बी अ गुड पोस्ट वर्कआउट मील. यू कैन इवन हैव अ बनाना मिल्क शेक. If you are the types who's having a protein shake, then you can have a banana and a protein shake here. अगर आपको किसी ने कोई multivitamin वगैरह recommend किया है या आप हर रोज़ कोई multivitamin ले लेते हो तो this is the time to also take your multivitamin. अभी अगर आपका question ये है कि protein shake पीना ज़रूरी है क्या, तो the answer to that is protein shake पीना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 20 minutes में आपको 4 hours complete करना ज़रूरी है. So it can be any of these meals or इट कुड बी दिस मील. प्रोटीन शेक पीना ये सिर्फ एक ऑप्शन है, इट इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट यू कैन हैव आफ्टर अ मील. अभी जब बनाना, सॉरी, मैंगो का जब सीजन चालू होगा तो पोस्ट वर्कआउट मील कैन इवन बी अ मैंगो मिल्क शेक. बेसिकली होलसम मील होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद, एक्सरसाइज के तुरंत बाद, हम ऐसे हार्मोनल स्टेटस में चले जाते हैं वेर अ लॉट ऑफ आवर हार्मोन्स बिकम वेरी सेंसिटिव. फॉर एग्जांपल इंसुलिन, इंसुलिन बहुत सेंसिटिव हो जाता है और वो क्या करता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स को क्विकली एट द साइट ऑफ रिपेयर पहुंचाता है. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम टू हैव द मोस्ट न्यूट्रिएंट लोडेड मील. And you need to do it quickly. That's the main message. And the other main message is that अगर आपने ये नहीं किया तो आपको आपके exercise से जो result expected है वो मिलता नहीं है. And that's when you start saying things like, मैं तो 3 महीने से एक्सरसाइज कर रही हूँ लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, मैं तो 1 साल से चल रही हूँ लेकिन कोलेस्ट्रॉल का लेवल उतना ही है, मैं तो 3 साल से एक्सरसाइज कर रही हूँ लेकिन अभी तक डायबिटीज़ अरेस्ट नहीं हुआ है, यू नो. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट बिगिन टू हैपन. एंड द अदर थिंग दैट ऑल्सो हैपन्स इज बिकॉज आई डू नो कि हर नए साल के साथ में हम लोग बहुत जोरों शोरों से एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं और 2-3 हफ्ते क्या बेयरली हमारे गुजरते हैं दैट देन वी लैंड अप विथ अ नी पेन और अ पुल इन द बैक और अ स्ट्रेन इन द हैमस्ट्रिंग और सम काइंड ऑफ अ क्रिक इन द नेक. एंड ऑल दैट इज ऑल्सो बिकॉज यू आर नॉट हैविंग द 4 hours ऑन टाइम which is not letting you arrest the catabolism, let alone convert it to anabolism, जिसके वजह से कि आपकी body instead of getting stronger, it begins to get injured. So, frequent injuries with exercise, unable to get your blood pressure and blood sugars under check, you know, post exercise. Getting fever after exercise, getting mood swings after exercise, being sleepless after exercise, or getting a night sweat because you worked out in the day are all signs of the fact that the 4 hours of your workout are not being done, and thereby it makes your exercise more of a dangerous thing than a healthy thing. So I hope that this has helped you and it has educated you, और ये session ने आपको समझा दिया है कि exercise post exercise meal का क्या महत्व है. मेरे हिसाब से ये इतना important है कि अगर आपके पास post workout meal already ready ना हो तो खुद को आप exercise को subject ही मत करो. Skip exercise on the day when you know that you won't be able to have a post workout meal. जैसे कि अगर आप long drive पे जाओ और आपको मालूम है कि आगे petrol pump ही नहीं है तो आप उस direction में जाते ही नहीं हो. जब you know, so that's how important a post workout meal is. So it may not be very popularly talked about, but it's the most critical कड़ी
ऑफ योर एक्सरसाइज सक्सेस। सो इस बात को ध्यान में रखिए और खाइए टाइम पर एंड एक्सरसाइज करते रहिए। ऑलराइट, और फॉर्म्स भी भरिए, और अगर आपको अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो पीपल हैव क्वेश्चन अबाउट पोस्ट वर्कआउट मील की स्प्राउट्स खा सकते हैं, चना खा सकते हैं, सीड्स खा सकते हैं या वेजिटेबल जूसेस खा सकते हैं। सो ऑल दीस क्वेश्चन आते हैं। स्प्राउट्स, चना, सीड्स, यू नो हम लोग बहुत से बार ये चीज़ें खाते हैं क्योंकि हमको लगता है कि स्प्राउट्स खाएंगे तो उसमें से प्रोटीन मिलेगा, चना खाएंगे तो उसमें से प्रोटीन मिलेगा। अभी तो आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट हैविंग अ सत्तू ड्रिंक, उसमें से प्रोटीन मिलेगा। हरियाणा के लोग आपको देख के सोचते रहेंगे कि अरे भाई हम लोग तो सत्तू का ड्रिंक समर्स में पीते थे बॉडी को कूल डाउन करने के लिए, या फिर जो तीज में मारवाड़ी कम्युनिटी सत्तू एक दूसरे को भेजती है वो लोग भी सोचते रहेंगे कि हम लोग तो इसको सेलिब्रेशन के तरह सिर्फ तीज में भेजते थे, ये क्या है अभी कि एवरी वन इज जस्ट हैविंग सत्तू यू नो रैंडमली फॉर प्रोटीन, जस्ट लाइक हाउ वी आर हैविंग हल्दी दूध फॉर कर्क्यूमिन यू नो और सीड्स। देखिए अगर आप ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशंस में नहीं खाओगे, सिर्फ स्प्राउट्स तो हमने कभी खाए ही नहीं है, सिर्फ चना भी हमने कभी खाया ही नहीं है, सिर्फ सीड्स भी हमने कभी खाए नहीं है, अगर आप ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशंस में नहीं खाओगे तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। आप एक्सरसाइज तो करोगे लेकिन आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इसबगोल रात को लेना पड़ रहा है, एक जगह से प्रीबायोटिक लग रहा है, दूसरे जगह से प्रोबायोटिक लग रहा है, वो सारी आपको प्रॉब्लम्स चालू होने लगेगी। क्यों? क्योंकि व्हेन यू हैव एक्सरसाइज्ड, वेयर इज योर ब्लड सप्लाई? योर ब्लड सप्लाई इज टू द मसल्स दैट हैव एक्सरसाइज्ड, इट इज़ नॉट इनसाइड योर स्टमक। जब आपको खाना, अच्छा खाना जब पचाना हो तभी यू नीड द ब्लड सप्लाई इनसाइड द स्टमक। व्हेन यू ईट फूड इन ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशंस इट इज़ ऑलरेडी प्री डाइजेस्टेड फॉर यू। प्री डाइजेस्टेड मतलब वो कॉम्बिनेशंस ही ऐसे बनी हुई है हमारी सदियों से कि वो बॉडी उसमें से न्यूट्रिएंट्स आसानी से असिमिलेट कर पाती है या आसानी से पिकअप कर पाती है। तो अगर आप सिर्फ इसमें प्रोटीन है क्या, उसमें फाइबर है क्या, इसमें सेलेनियम है क्या और उसमें क्रोमियम है क्या के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यू विल लैंड अप इन मच बिगर ट्रबल देन व्हाट यू आर देन व्हाट यू साइंड अप फॉर। सो पीपल आर आल्सो आस्किंग अबाउट कोकोनट वाटर या जूसेस। ओके ओके, सो वेजिटेबल जूसेस एंड स्मूदीज यू कैन नॉट हैव बिकॉज अगेन लाइक हाउ ओल्ड इज दिस वेजिटेबल जूस। मतलब पहले हम लोग वेजिटेबल, अगर वेजिटेबल जूस में से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमको मिल पाते थे तो हमारी दादी और नानी पहले से ही जूस ही बनाती थी। वो उसने व्हाई डिड शी बॉदर मेकिंग अ सब्जी एंड टेलिंग यू टू ईट दिस गवार का सब्जी विद दिस काइंड ऑफ अ रोटी और विद दैट काइंड ऑफ अ भाकरी। सो ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशंस के लिए हमको रिस्पेक्ट होनी चाहिए बिफोर सम कैफे स्टार्टअप और यू नो द वेस्टर्न मीडिया मेक्स अ हेडलाइन अबाउट इट। और व्हाट वाज द अदर क्वेश्चन? नारियल पानी, नारियल पानी आप ले सकते हो, नारियल पानी आप ले सकते हो, नींबू शरबत आप ले सकते हो, शुगर केन जूस आप ले सकते हो, लेकिन सिर्फ इतना ही मत लीजिए, उसके बाद में आपका मेन मील भी आप खाइए। एक क्वेश्चन है दैट इफ वी आर हैविंग आवर मेन मील इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज डू वी स्टिल नीड टू हैव बनाना फर्स्ट? नो, इफ यू आर गोइंग टू हैव इट विद इन 20 मिनट्स देन नो, देन यू कैन जस्ट गो स्ट्रेट अहेड एंड हैव योर मेन मील, बट डू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर बिफोर दैट मेन मील। Alright, thank you very much for watching. I'm having a great time interacting with you. I also hope कि आपको भी उतना ही मज़ा आ रहा है मेरे साथ जुड़ के जितना कि मुझे आ रहा है आपके साथ जुड़ के। तो next Tuesday फिर मिलेंगे 4 o'clock. Next week से मैं आपको बताने वाली हूँ de-stressing exercises या de-stressing आसन्स which will help you sleep better. क्योंकि जैसे catabolism से anabolism में exercise को convert करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, वैसे ही द अदर पार्ट जिसकी हमको ज़रूरत होती है दैट इज़ गुड स्लीप एंड गुड रिकवरी। एंड इन द एब्सेंस ऑफ गुड स्लीप एंड रिकवरी, इवन इफ़ यू हैव योर पोस्ट वर्कआउट मील, इवन इफ़ यू आर सिंसियर विथ योर एक्सरसाइज, यू विल नॉट सी द रिजल्ट्स दैट यू वॉन्ट। तो विद दैट इन्फॉर्मेशन थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू ट्यूजडे 4 o'clock, टिल दैट टाइम बाय बाय।